हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे एंड एक वन ऑफ द ब्यूटी कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, और इसमें जितना स्टार मार्क कर लीजिए उतना कम पड़ेगा। तो देखिए, होमो जीनियस फंक्शन, व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन? होमोजीनियस फंक्शन अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ अ फंक्शन f(x,y) इज सेट टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, ठीक है, इन द वेरिएबल x एंड y। इट कैन बी expressed in terms या in the form x to the power n phi of y by x और y to the power n phi of y by x और k टू द पावर n फाई f ऑफ या फाई ऑफ एक्स वाई। गॉट इट? अ फंक्शन इज सेट टू बी होमोजीनियस, अ फंक्शन इज सेट टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n इन द वेरिएबल x एंड y। इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म दिस या दिस या दिस। क्या मीनिंग है इसका? या तो आप x कॉमन कर लीजिए, तो x के पावर n phi ऑफ y by x फंक्शन बन जाए, ये होमोजीनियस हो जाएगा। या y के पावर n कॉमन कर लिए तो phi ऑफ y by x को फंक्शन बचा तो ये होमोजीनियस हो जाएगा, या k के पावर n कॉमन कर लीजिए तो phi ऑफ एक्स वाई ये होमोजीनियस हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ टर्म से, एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं कि कैसे होमोजीनियस फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। लेट f of x y equal to x plus y divided by root x plus root y. Check whether it is homogeneous or not. तो अब f of में kx put कर दिए। Generally हम ये method follow करेंगे, my dear student, आप ध्यान रखिएगा। f of kx के वाई इक्वल टू के एक्स के वाई डिवाइड बाय रूट अंडर के एक्स रूट अंडर के वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? के कॉमन नोमिनेटर से एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा रूट के कॉमन रूट एक्स प्लस रूट वाई। आई होप कि ये क्लियर होगा। तो के की पावर वन माइनस वन बाय टू, डिवाइड बाय रूट अंडर एक्स प्लस वाई,
तो के की पावर 1 बाई टू एक्स प्लस वाई रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई, ठीक है। तो क्या ये होमोजेनियस है? यस इट इज होमोजेनियस, इट इज होमोजेनियस। क्यों? के की पावर कॉमन हो गया और यही तो है एफ ऑफ एक्स वाई, यही तो है एफ ऑफ एक्स वाई, देखिए, ठीक है। तो ये होमोजेनियस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें के एक्स पुट करेंगे, ये सब चेक कर रहे हैं होमोजेनियस है या ना है, ठीक है, चेक वेदर इट इज होमोजेनियस और नॉट। तो के एक्स का क्यूब के वाई का क्यूब डिवाइड बाय के एक्स का होल स्क्वायर के वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो के क्यूब ऊपर से कॉमन नोमिनेटर से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी के पावर वन, के पावर वन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है? यही तो है एफ ऑफ एक्स वाई, यही तो है एफ ऑफ एक्स वाई। और ये क्या है? के पावर एन। कितना डिग्री का होमोजेनियस हुआ? इट इज वन डिग्री ऑफ होमोजेनियस, इट इज होमोजेनियस ऑफ हाफ डिग्री, हाफ डिग्री। और ये होमोजेनियस है ऑफ वन डिग्री। आई होप कि ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ऐसे हम होमोजेनियस चेक करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल पिक करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या ये होमोजेनियस है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, के एक्स के वाई के एक्स के पावर होल स्क्वायर के वाई के पावर होल स्क्वायर के एक्स के पावर होल क्यूब के वाई के पावर होल क्यूब। तो यहां से हो जाएगा के स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा के वाई के पावर, सॉरी ये वाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय के क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यानी वन बाय के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के पावर माइनस वन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये होमोजेनियस है क्या? यही तो है एफ ऑफ एक्स वाई। और के पावर एन कॉमन आया, हाँ होमोजेनियस है, इट इज होमोजेनियस, इट इज होमोजेनियस, होमोजेनियस इज अ होमोजेनियस
ऑफ माइनस 1 डिग्री। आई होप कि अब आप होमोजीनियस फंक्शन आइडेंटिफाई कर लेंगे। चलिए अगर कर लेंगे तो एक और एग्जांपल दे रहे हैं। अब हम दे रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स बाई वाई है, ये होमोजीनियस है, चेक वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट। चलिए के एक्स के वाई, के एक्स के वाई, के कैंसिल आउट एक्स बाई वाई। ओ माई गॉड, यहां पे तो के कॉमन आया ही नहीं, तो हाउ कैन से इट इज होमोजीनियस। बट इट इज होमोजीनियस हाउ? आई एम गिविंग टू यू होमवर्क एंड ट्राई टू सॉल्व एट होम एंड कमेंट टुमारो इन क्लास। ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि इट इज होमोजीनियस हाउ। माई डियर स्टूडेंट, यहां पे 1 है, कुछ प्रोडक्ट में नहीं है, तो ये 1 है, ये 1 है, ये एफ ऑफ एक्स वाई है। तो 1 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, माई डियर स्टूडेंट, अगर कोई भी संख्या 1 है, अगर मेरे पास 1 है संख्या, तो हम क्या कर देंगे, के पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई। या इट इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट माई डियर स्टूडेंट। ये आप ये जो गेट का पेपर देता है ना, वो भी मिस्टेक कर जाता है यहां पे। गेट में 30% वेटेज है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ईएस का जो पेपर देते हैं उसमें 90% ये वेटेज है। एक क्वेश्चन आना फिक्स है, चाहे ईएस 2020 का क्वेश्चन देख ले, 19 का देख ले, या 18 का देख ले, 17 का देख ले, ईच एंड एवरी ईयर ईएस हैज आस्क्ड। ठीक है, तो चलिए ये हो गया इट इज होमोजीनियस ऑफ 0 डिग्री। क्या है 0 डिग्री? आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। वाह, अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे, सर अब तो फंटास्टिक वे से हम होमोजीनियस आइडेंटिफाई करना सीख लिए। तो लो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, क्या ये होमोजीनियस है? चेक, के एक्स के वाई टेन इनवर्स के एक्स का होल स्क्वायर के वाई का होल स्क्वायर के एक्स डिवाइड प्लस के वाई नोमिनेटर में, एफ ऑफ के एक्स के वाई एफ ऑफ के एक्स के वाई ठीक है, टेन इनवर्स के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय के इंटू एक्स प्लस वाई, के कैंसिल, टेन इनवर्स के इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ओ माई गॉड, ये तो के अंदर रह गया,
क्या कोई ऐसा आप प्रॉपर्टी जानते हैं जो के को बाहर निकाल सकता है? नो माय डियर स्टूडेंट, हम ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं कि इस के को बाहर निकाल दे। इट इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन। कुछ स्टूडेंट पैनिक फील कर रहे होंगे कि सर आपने तो थ्योरी में कुछ ऐसा लिखा दिया, तो इसको आप ये जो थ्योरी है आप उसको एफ ऑफ के एक्स के वाई लिख लीजिएगा, ठीक है, इक्वल टू के पावर एन और एफ ऑफ एक्स वाई। अगर ये फॉर्म फिट करता है तो होमोजेनियस होगा, अदरवाइज होमोजेनियस नहीं होगा। आई होप कि ये होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस का फंडा क्लियर हुआ होगा। तो ये जो मेरे पास आ गया नॉट क्या होमोजेनियस, ठीक है। तो अब हम इसी पे बेस्ड कल क्वेश्चन करेंगे, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो इस चैनल पे आ रहे हैं वीडियो को वॉच करने वो तुरंत क्विट करके नहीं जाए। तुरंत क्विट करके जाने से ना आपका कुछ होने वाला है ना मेरा कुछ होने वाला है। आप अगर वीडियो को देखें फिर रिकमेंड करें कि यू हैव टू इम्प्रूव दिस थिंग, ठीक है। अगर आप वीडियो को देख नहीं रहे हैं तो आप रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, भरपूर मात्रा में शेयर करिए। सारे यूनिवर्सिटी तक पहुंचना चाहिए और यूट्यूब में बादशाह बनना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।